हेलो फ्रेंड्स, अगर इस तरह के मोती और उनका थॉल पोस बनाना चाहते हैं तो हम आपको बताएंगे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे डबल क्रोसेट बनाएंगे, हमें 4 डबल क्रोसेट बनाना है यहाँ पे। डबल क्रोसेट कंप्लीट होने के बाद एक सिंगल मोती लगाएंगे। और फिर इसमें डबल क्रोसेट बनाएंगे। एक फंदे में 2 डबल क्रोसेट बनाएंगे। ऐसे ही 3 डबल क्रोसेट बना के 3 मोती लगाएंगे। फिर से 3 डबल क्रोसेट बनाएंगे। फिर से 3 मोती एंटर करेंगे। फिर डबल क्रोसेट बनाएंगे। दो डबल क्रोसेट के बाद अब सिंगल मोती लगाएंगे। एक मोती लगाने के बाद फिर एक ही फंदे में 4 डबल क्रोसेट बनाएंगे। 1, 2, 3, 4। फिर एक सिंगल मोती लगाएंगे। अब डबल क्रोसेट बनाएंगे।
डबल क्रोशेट बनाने के बाद तीन मोती लगाएंगे। तीन तीन मोती लगाने के बाद हम पहले लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। तो पहला लाइन हमारा कंप्लीट हो गया है, हम अब दूसरी लाइन पे आ गए हैं। दूसरी लाइन में हम फिर तीन डबल क्रोशेट बनाएंगे। तीन डबल क्रोशेट बनाने के बाद जहाँ तीन मोती है वो तीन मोती के ऊपर हम फिर दो मोती लगाएंगे। फिर से डबल क्रोशेट बनाएंगे। फिर तीन मोती के ऊपर दो मोती लगाएंगे। अब डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये जो फंदे के बीच की जगह है वहाँ से डबल क्रोशेट हमें बना लेना है। जितना फिट बैठेगा उतना डबल क्रोशेट बना लेंगे हम। अब मोती लगाएंगे। फिर डबल क्रोशेट बनाएंगे सेम एज। अब सिंगल मोती लगाएंगे। मोती लगाने के बाद अब हम एक फंदे से चार डबल क्रोशेट बनाएंगे।
चार डबल क्रोशेट बनाने के बाद एक मोती और लगाएंगे। और फिर थ्री डबल क्रोशेट बनाएंगे। फिर दो मोती लगाएंगे। डबल क्रोशेट फिर से बनाएंगे। इसी तरह से डबल क्रोशेट बना के और तीन मोती के ऊपर दो मोती लगा के इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे हम। अब तीसरी लाइन में एक मोती लगाने के बाद डबल क्रोशेट बनाएंगे। जितना चैन में फिट बैठेगा उतना डबल क्रोशेट बना लेंगे हम। तीन बैठे तो तीन, चार बने तो चार बना लेंगे। और फिर दो मोती के ऊपर एक मोती लगा के इस लाइन को भी कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही एक मोती लगा के डबल क्रोशेट बना लेंगे और पूरे लाइन को कंप्लीट करेंगे। Thank you.
अब एक एक मोती लगा के इस लाइन को भी कंप्लीट करेंगे। एक लाइन वाली मोती खत्म हो जाने के बाद दूसरे लाइन में हम फिर तीन मोती से स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट करेंगे। Thank you.
राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। यहीं से हम फिर ऐसे ही एक और लाइन बनाएंगे दूसरा। दूसरे लाइन के लिए ये जो मोती है, बीच में मोती लगी है, ये बीच वाले मोती से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब एक मोती छोड़ के दूसरे मोती में फंसा देंगे हम ऐसे। ऐसे ही दूसरा राउंड भी कंप्लीट कर लेंगे। अब हम तीसरा राउंड बना रहे हैं। इसमें मोती ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगा सकते हैं।